पश्चिम बंगाल में हफ्ते भर से बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो रही है, एक मौत भी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में अगले महीने पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन नामांकन भरने के दौरान ही बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से झड़प की खबरें आ रही हैं। बीरभूम, बांकुरा, मुर्शिदाबाद और बर्दवान में सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव को चिट्ठी लिखी है और पुलिस पर सवाल उठाते हुए चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने की मांग की है। लेफ्ट पार्टियों ने भी आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के इशारे पर दूसरे दलों के उम्मीदवारों को नामांकन नहीं भरने दिया जा रहा है। प्रिलिमिनरी प्रोसेस नॉट फॉर पोलिंग, इट्स अ प्रिलिमिनरी प्रोसेस नॉमिनेशन टू मेक इट फ्री फेयर, दैट इज समथिंग दैट दे हैव फेल्ड टू एंश्योर। 3 अप्रैल को नामांकन के लिए जा रहे बांकुरा से बीजेपी उम्मीदवार अजीत मुर्मू पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था। हमले में अजीत की मौत हो गई। उसके बाद से लगातार हिंसक झड़प हो रही है। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने ही सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि सिंघवी कोर्ट में ममता के पक्ष में केस लड़ रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कांग्रेस ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।